Hello students, welcome to MDPS, Staying at Home Study Program. This is the lecture of 4th class of math subject. In this lesson, we learn how to compare the numbers and ascending order and descending order and even and odd numbers. Let's start. First is how to compare the numbers. In this topic, we have three signs. First is greater than, second is less than, and third is equal to. First sign is greater than. It is a symbol that indicates that the first number is greater than second number. ये sign है जो greater than, ये indicate करता है कि first number है ना जो वो second number से greater than है, बड़ा number है वो. Here I write 11, 11 and here I write 9. So, 11 is greater than 9. Greater than sign भी यही indicate कर रहा है कि first number greater than है second number. Now, the next sign symbol is less than. It is a symbol that indicate that the first number is smaller than the second number. ये symbol क्या indicate करता है कि first नंबर है जो स्मालर है सेकंड नंबर से. हियर आई राइट 9 एंड हियर आई राइट 11. 9 इज स्मालर देन 11. सो दिस साइन आल्सो इंडिकेट दैट द फर्स्ट नंबर इज स्मालर देन सेकंड नंबर. एंड थर्ड साइन इज इक्वल टू. इट इज सिंपल यूज्ड टू एक्सप्रेस टू इक्वल नंबर्स. ये क्या है, टू इक्वल नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है. जैसे हियर आई राइट 11 एंड हियर आई आल्सो राइट 11. दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, ये इक्वल वाला साइन यूज करेंगे. एग्जांपल, लेट अस कंपेयर 2565 2645. इन दोनों नंबर को हमने कंपेयर करना है. कंपेयर द नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हमने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट कंपेयर करते जाना है. तो हम इजीली कंपेयर कर लेंगे कौन सा नंबर लार्ज है और कौन सा स्मॉलर है. फर्स्ट पिन क्या है हमारे, टू. फर्स्ट नंबर में फर्स्ट डिजिट क्या है, टू. और इसका भी कौन सा फर्स्ट डिजिट है, टू. तो दोनों डिजिट क्या है, इक्वल है. जो थाउजेंड प्लेस पे हैं वो क्या है, इक्वल है. तो यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस देन है. फिर क्या करेंगे, हम सेकंड डिजिट चेक करेंगे. सेकंड डिजिट जो हंड्रेड की प्लेस पर है वो क्या है, फर्स्ट नंबर का फाइव है और सेकंड नंबर का भी फाइव है. तो यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल है. यहाँ पे भी हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन है और कौन सा नंबर लेस देन है. नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, हम थर्ड डिजिट को चेक करेंगे कौन सा ग्रेटर है कौन सा इक्वल है. तो थर्ड डिजिट फर्स्ट नंबर का क्या है, सिक्स है. एंड इस सेकंड नंबर का क्या है, फोर है. तो क्या हुआ, सिक्स क्या हुआ, ग्रेटर देन फोर. सो नंबर भी वही ग्रेटर होगा जिसमें सिक्स है, क्योंकि फोर तो स्मॉलर हो गया है ना. सो नंबर 2565 इज ग्रेटर देन 2545. तो साइन कौन सा यूज होगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि 2565 इज ग्रेटर देन 2545 से ग्रेटर देन है. तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट वाला साइन यूज हो जाएगा ग्रेटर देन. सी हियर, देयरफॉर 2565 इज ग्रेटर देन 2545. 2565 इज ग्रेटर देन 2545, इससे ग्रेटर है. हेयर इज प्रैक्टिस जोन 4. इन दिस बॉक्सेस वी हैव टू फिल दिस थ्री साइंस गिवन हेयर. फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकंड इज लेस देन, थर्ड इज इक्वल नंबर. सो वी हैव ट्राई फर्स्ट सम. फर्स्ट इज 1439
एंड 1493। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वाला डिजिट जो 1000 के प्लेस पर है वो चेक करेंगे, वो क्या है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो यहाँ से हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है। तो फिर क्या करेंगे हम, सेकंड डिजिट को चेक करेंगे, सेकंड डिजिट क्या है, 4 है, और इसका भी सेकंड नंबर का भी 4 है, यहाँ से भी हमें पता नहीं चल रहा है कौन सा नंबर क्या है ग्रेटर देन है और कौन सा नंबर क्या है लेस देन है। तो फिर क्या करेंगे हम, थर्ड डिजिट चेक करेंगे, थर्ड डिजिट चेक किया हमने तो इसका क्या है 3 और इसका क्या है 9, तो ग्रेटर देन वाला कौन सा हुआ, 9 वाला है ना, तो ग्रेटर देन वाला कौन सा हुआ, 9 वाला, क्योंकि इसका तो 3 है थर्ड डिजिट और इसका है 9, सो कौन सा साइन यूज करेंगे हम, ग्रेटर देन किस साइड है, 9 वाले साइड है, तो हम क्या यूज करेंगे, सेकंड वाला साइन यूज करेंगे ये वाला, क्योंकि फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकंड नंबर, 1439 इज लेस देन 1493। सेम हेयर वी चेक ई सम, वी सीइंग दिस सम, हेयर इज 6987 एंड सेकंड इज 6897। फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे, फर्स्ट डिजिट क्या है इसका 6 और इसका भी क्या है 6 सेकंड नंबर का भी, तो यहाँ से हमें नहीं कुछ पता चल रहा कि कौन सा लार्ज नंबर है और कौन सा स्मॉलर है। फिर क्या करेंगे हम, सेकंड डिजिट चेक करेंगे, सेकंड डिजिट चेक किया हमने, इसका क्या है 9 और इसका क्या है 8, तो क्या हुआ 9 लार्ज हुआ ना, 8 से लार्ज है, तो फिर कौन सा साइन यूज होगा, फर्स्ट वाला, 6987 इज ग्रेटर देन 6897, तो ये क्या हुआ, इससे ग्रेटर हुआ। अब डी डी सम देखते, 5366, 5366 दोनों साइड क्या है सेम नंबर दिया हुआ है, तो साइन कौन सा यूज होगा, थर्ड वाला, थर्ड वाला कौन सा, इक्वल टू द नंबर। नाउ वी लर्न अबाउट द असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर जैसे हमें ये एरर दिखाया हुआ है ना जो ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, वो क्या है असेंडिंग ऑर्डर, जो स्मॉलर नंबर से लार्ज नंबर की ओर जा रहा है वो क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की ओर जा रहा है वो क्या हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हेयर आई राइट 11, 12, 13, 14, ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की ओर जा रहा है, ये क्या हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर। इफ आई राइट 14, 13, 12, 11, तो ये क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्ज नंबर से क्या हो रहा है ये स्मॉल नंबर की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम हियर सी, फर्स्ट इज 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, ये क्या है स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर की ओर जा रहा है, तो ये क्या है असेंडिंग ऑर्डर। और दिस साइड 5023, 5022, 5021, 5020, 5019, 5018, 5017, 5016, 5015, 5014, तो ये क्या है लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। हेयर इज प्रैक्टिस जोन 5 in which we have two sums and write them in ascending order, उनको क्या करना है हमने ascending order में लिखना है, जो ये हमें box दिए हुए हैं ना 4 train के डिब्बे, तो इसको क्या इनमें लिखना है ascending order में लिखना है, तो सबसे पहले ascending order में सबसे पहले कौन सा लिखेंगे जो सबसे small होगा, फिर उससे बाद उससे जो बड़ा होगा वो वाला, फिर उसके बाद उससे बड़ा होगा वो वाला लिखेंगे। ओके वी ट्राई फर्स्ट ए नंबर सम, हेयर इज 8345,
8 9 4 5 8 3 4 5 8 9 4 5 8 5 5 8 8 3 4 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर सबसे स्मॉल है। तो कंपेयर करने के लिए हम पहले इनका, क्योंकि ये सभी क्या है, फोर डिजिट नंबर है, तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे। सभी का फर्स्ट डिजिट क्या है, 8 8 8 8 है। तो यहाँ से तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा नंबर स्मॉल है और कौन सा लार्ज है। अब क्या करेंगे, हम सेकंड डिजिट चेक करेंगे। अब सेकंड डिजिट चेक किया, इसका क्या है, 3, इसका 9, इसका 5, इसका 3। तो यहाँ पे क्या है, 3 2 टाइम आ रहा है जो स्मॉल है। अब क्या करेंगे, ये तो हमें पता चल रहा है, ये तो दोनों क्या हैं, स्मॉल नहीं हो सकते। 8 9 4 5 8 5 5 8 ये तो स्मॉल नहीं हो सकते, इन दोनों में से स्मॉल है एक इनका। अब हम थर्ड डिजिट चेक करेंगे, 8 3 4, इसका भी 8 3 4, ये भी सेम है। अब लास्ट डिजिट चेक करेंगे हम, 8 3 4 5 है इसका और इसका 8 3 4 1 है, 1 वाला क्या होगा, स्मॉल। तो सबसे फर्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये, है ना। अब इन तीनों को चेक करेंगे, ये तो दोनों बड़े थे, हमने चेक किए थे, है ना। अब सेकंड वाले में क्या, यहाँ पे 3 वाला था ना, 8 3 4 5, ये दोनों कंपेयर करे थे ना हम लास्ट में, तो ये सेकंड पे क्या आ जाएगा, 8 3 4 5 वाला आ जाएगा, 8 3 4 5 वाला आ जाएगा। पूरा नंबर लिखना है यहाँ पे, ये ऐसे 1 और 5 नहीं लिखना, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट, इसमें क्या आ गया था, फर्स्ट वाला आ गया था जिसका फर्स्ट है, और इसमें से ये सेकंड वाला यहाँ पे आ गया था। अब क्या रह गए थे हमारे पास, ये दोनों नंबर रह गए थे, ये वाले, इनमें इनको कंपेयर करना है। इनको कंपेयर किया, 8 तो दोनों का सेम है, सेकंड डिजिट चेक किया, इसका 9 है और इसका 5 है, तो ये वाला 5 वाला ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और जो 9 वाला रह गया वो कहाँ पर आ जाएगा, लास्ट वाले में आ जाएगा ऐसे। तो ऐसे ही इनको हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, और सेकंड सम ये वाला दिया है, और इनको क्या करना है, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बड़े नंबर से स्मॉल नंबर की ओर जाना है। तो उनको क्या कहते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर, वो भी क्या करना है, ऐसे ही कंपेयर करके लिखना है। तो 4 डिजिट नंबर है तो ईजिली कंपेयर कर लेंगे। फर्स्ट पे क्या करेंगे हम, फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे, सबसे बड़ा किसका है, तो इसका ही हमें शो हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 वाला आ जाएगा, है ना। तो सेकंड पे इन तीनों में को कंपेयर करेंगे, इन तीनों को कंपेयर किया, 4 वाला है इससे छोटा, है ना, 5 से, तो यहाँ पे 4 वाला नंबर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, ये 2 रह जाएंगे, इनको कंपेयर करेंगे। फर्स्ट डिजिट कंपेयर किया दोनों का, 2 2 सेम है। सेकंड डिजिट कंपेयर किया, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, ये भी नहीं पता चल रहा। अब थर्ड डिजिट कंपेयर करेंगे, इसका क्या है, 1 है और इसका क्या है, 2, तो ये 2 वाला आ जाएगा यहाँ पे थर्ड पे, 2 2 2 2 2, ये आ जाएगा थर्ड पे, और लास्ट पे आ जाएगा 2 2 1 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक इज इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर्स हैव 2 4 6 8 0 एट वंस प्लेस, जिनके वंस के प्लेस पर होता है, 2 होता है, 4 6 8 0, ये 5 डिजिट होंगे ना, जिनके वंस के प्लेस पे, वंस का प्लेस सबसे लास्ट वाला होता है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, इवन नंबर। 1 देखो, इन नंबर्स में देखो, इसके वंस के प्लेस पर क्या है, 2 है, तो ये भी इवन नंबर है। इनके वंस के प्लेस पर क्या है, 4 है, ये भी वंस इवन नंबर है। इनके वंस के प्लेस पर क्या है, 6 है, ये भी इवन नंबर है। इनके वंस के प्लेस पर क्या है, 8 है, ये भी इवन नंबर है। इनके वंस के प्लेस पर 0 है, ये भी इवन नंबर है। जिसके वंस के प्लेस पर ये 5 नंबर होते हैं, 0 2 4 6 8, तो वो क्या होता है, इवन नंबर। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जो नंबर जिसका लास्ट नंबर होगा ना, वो 2 से डिवाइड होगा,
तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि लास्ट नंबर 2 पे डिवाइड सभी का हो रहा है ना इन नंबर्स में, तो वो क्या है, सभी इवन नंबर्स हैं। जो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। एंड नेक्स्ट ऑड नंबर, ऑड नंबर हैव 1, 3, 5, 7 और 9 एट वंस प्लेस। वंस के प्लेस पर क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। इसको इजीली हम कैसे याद करेंगे, जो नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, और जो नंबर 2 पे डिवाइड होगा तो वो होगा इवन नंबर, जो 2 पे डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर, है ना। जो डिवाइड हो रहा है 2 पे वो इवन नंबर, जो नहीं डिवाइड हो रहा वो ऑड नंबर, क्योंकि 1 भी 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, 3 भी नहीं डिवाइड होगा, 5 भी नहीं डिवाइड होगा, 7 भी नहीं डिवाइड होगा और 9 भी नहीं। ये नंबर क्या है, 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर। अगर ये नंबर 2 पे डिवाइड हो जाते तो ये क्या हो जाते, इवन नंबर, है ना। तो जो नंबर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं वो हो गए इवन नंबर, जो नहीं हो रहे वो ऑड नंबर। इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड हाउ टू कंपेयर द नंबर्स। सो थैंक यू टू आवर स्टूडेंट्स।